बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वाले बहन भाइयों को आयशा नूर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आड़ू का जूस बनाएंगे और शरबत। जूस बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं जाता, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो हम आपको शरबत बनाना बताएंगे, तो इसको आप जो है महफूज भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। और ये हम दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो दो लहज़ा से ले लेंगे, इनका हम फ्रेश बनाएंगे। और ये जो है तो हम ये बर्तन ले लेंगे और इसमें हल्के हल्के से कट लगा के इसमें डाल देंगे। इसको मैंने कट लगा दिया, इसमें अब इतना पानी डालेंगे कि ये ना उबल जाए अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रखेंगे चूल्हे पे, तब तक हम दूसरा बना लेते हैं। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है, जैसे ये थोड़े से उबलेंगे तो इनके छिलके बस उतारने हैं हमने, और कुछ भी नहीं करना। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिए और चूल्हा नीचे से ऑन कर दिया। ये मैंने दो जो रखे थे लहदा से वो छीली हैं, अब इनको छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो ये मैंने छोटा छोटा काट लिया, इसको जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले ये आड़ू डाल दिए हैं, अब इसमें बर्फ़ डालेंगे। अब इसमें एक गिलास पानी और इसमें एक टेबलस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें चीनी डालें। मैंने ये एक टेबलस्पून भर के और आधा टेबलस्पून यानी कि डेढ़ टेबलस्पून चीनी इसमें डाल दी। तो अब इसमें डालेंगे काला नमक, हम इसमें काला नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और लीमू का जूस, लेमन जूस डालेंगे, ये डाल दिया है, ये भी डेढ़ टेबलस्पून। अब इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये हमारा फ्रेश देखें रेडी हो गया। तो ये हमारा फ्रेश जूस आड़ू का रेडी हो गया। तो अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारे उबल गए हैं, तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये उबल गए हैं, तो इसका छिलका हम इस तरह से उतार लेंगे, इसका ऊपर से छिलका उतार के इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे काट दिए हैं, अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये ब्लेंड हो गया अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चीनी डाल देंगे इसमें 2.5 कप। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लगे। ये मैंने 1 किलो आड़ू लिए थे और इसमें 2.5 कप चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फ्रेश भी बन जाता है और इस तरह बनाएं तो ये ज़्यादा दिन चल जाता है। तो अब हम इसको, हमने इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला, इतना डाला था कि ये ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए कितना अच्छा ये ब्लेंड हुआ है। तो अब चीनी मिक्स करेंगे, 2-3 उबाल आ जाएँ तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये उबलना शुरू हो गया, तो इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये 1/4 टीस्पून है, ये डाल देंगे और इसमें काला नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। तो ये देखें ये शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है आड़ू का। तो इसको, ये ठंडा हो गया और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हम जो है वो चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें इसको हम बंद कर देते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।